पुजरुदेव पुषद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से भारती जैन पूछ रही गुरुदेव कि अकाल मरण किन परिस्थितियों में होता है तथा घर के सदस्य द्वारा यदि रोगी की सेवा में कोई गलती हुई तो वह अकाल मरण की श्रेणी में गिना जाएगा या स्वाभाविक मौत की श्रेणी में। और और एक लाइन और है, सेवा में हुई गलती का पाप क्या घर वालों को लगेगा? देखिए, अकाल मरण का जहाँ तक सवाल है, जन्म मरण तो सबका लगा है। जैन धर्म में अकाल मरण की मान्यता है और अकाल मरण के लिए बताया गया जो अस्वाभाविक मौत है वो अकाल मरण है। स्वाभाविक मृत्यु को हम सकाल मरण की श्रेणी में ले सकते हैं। अस्वाभाविक मौत के कुछ लक्षण बताते हुए कहा गया, विश्वेयन रतक है भय सत्ता गहन संकलेशन आहार उषासा नाम निरोहना खिजदे आयु, विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, रक्त के क्षय से, भय से, शस्त्र के आघात से, आहार उच्छ्वास के निरोध से, इसी तरह पर्वतों पर चढ़ने उतरने से, अनीति और अन्याय के प्रसंग से अकाल मरण होता है। अब ये सब कारण होने पर व्यक्ति की असमय में आयु नष्ट हो सकती, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल केस में जो मरे वो अकाल मरण ही हुआ हो। हो सकता है व्यक्ति की आयु उसी रूप में खिरनी हो और एक संयोग हुआ कि उसका मरण भी हुआ और ये घटना भी घटी, पर ये तो भगवान के ज्ञान का विषय, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं है। पर हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि अगर हम औषध उपचार आदि करें तो अकाल मरण टल सकता है। आज जैसे कोई बीमार हो रहा है, कोरोना से संक्रमित हो जाए, वो कहे मुझे मरना होगा तो मरेंगे, और इन्फेक्शन गहरा हो रहा है और इलाज ना कराए तो अकाल में जाएगा। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि इलाज कराने वाला सब ठीक हो ही जाए। और बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जिनके बारे में मेहमानों को बुला लिया जाता है, रिश्तेदार आ जाते हैं कि ये तो जाने वाले, वो भी टिक जाते हैं और भले चंगे भी चले जाते हैं। तो जन्म मरण तो कोई जानता नहीं किसके साथ कब क्या घटना घट जाए, किस स्थिति में किसका जीवन कैसा हो, किसका मरण कैसा हो, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। आपने अगर किसी बीमार व्यक्ति की चिकित्सा कराई तो ये आपका धर्म था, ये आपने करा दिया। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर शरण नहीं है। अगर डॉक्टर शरण होते तो कोई मरता ही नहीं, जबकि डॉक्टर खुद मर जाता है। तो डॉक्टर शरण नहीं है, अपनी तरफ से जितनी आप सेवा कर सकते थे करें। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ करके उपेक्षा की, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है और मन में इस बात का विकल्प या शल्य है, तो गुरुजनों के चरणों में जाकर अपना मनोभाव प्रकट कर उनसे उचित मार्गदर्शन और प्रायश्चित लेकर अपने चित्त की शुद्धि कर लेनी चाहिए।